हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आखिर लड़के शादी करने से डरते क्यों हैं? आज बताने वाला हूं मैं आपको इसी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस समय पर मिलती रहें। एक वो दौर था जब प्यार का मतलब होता था शादी। दोनों की हां के बाद बस अगला मकसद शादी के लिए परिवार के लोगों को मनाना होता था। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। लेकिन अब 85% लड़के कहते हैं कि वो प्यार तो करते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते। जैसे ही उन्हें शादी के लिए पूछो तो वो तरह तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि शादी शब्द आज के लिए भी लड़कों को डराता है। आजकल की जनरेशन खुले माहौल में रहना पसंद करती है। इनके शादी ना करने के पीछे कई रीजन होते हैं। उन्हें लगता है कि शादी के बाद उन्हें क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, इन सभी शब्दों का सामना करना पड़ेगा और इसीलिए वो शादी करने से कतराते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजकल की जनरेशन आखिर शादी से भागती क्यों है। सबसे पहला रीजन है जिम्मेदारी का डर। लड़के मानते हैं कि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और इसीलिए वो अपने आप को सबसे पहले फाइनेंशियली मजबूत करना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो इस बात से भी डरते हैं कि शादी के बाद वो नौकरी को जितना वक्त देते हैं उससे कहीं ज्यादा वक्त उन्हें घर और परिवार को देना होगा और उनकी होने वाली ग्रोथ मुसीबत में पड़ जाएगी। दूसरा मेन रीजन है कि लड़कों को लगता है कि शादी के बाद उनकी आजादी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, शादी के बाद कई तरह की बंदिशें लगा दी जाती हैं, ऐसा उनको लगता है और उन्हें शादी जिंदगी भर बांध देने वाली एक जंजीर की तरह लगने लगती है। तीसरा पॉइंट है शादी के ना चल पाने का डर। हम लोग अक्सर तलाक, झूठे दहेज के केस और धोखे की कहानियां न्यूज में और सीरियल्स में देखते रहते हैं, तो लड़कों की भी सोच आकर वहीं टिक जाती है। उन्हें लगता है कि अगर उनकी किस्मत खराब निकली या उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। अब ऐसे में शादी करने के लिए वो सीधा मना कर देते हैं। चौथा पॉइंट है लव और रिलेशनशिप। कुछ लोग उनसे शादी करना चाहते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं लेकिन उनके घर वाले मानते नहीं हैं और इसी वजह से वो अरेंज मैरिज से दूर भागते हैं। और पांचवा रीजन है उम्र। जी हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि शादी की कोई उम्र नहीं होती। जब उनका दिल करेगा या मन करेगा वो शादी कर लेंगे, सबसे पहले फाइनेंशियली मजबूत हो जाएं, उसके बाद फिर जाकर शादी करेंगे। तो दोस्तों, ये थी पांच ऐसी वजह जिससे आजकल की जनरेशन शादी करने से कतराती है। और दोस्तों, अगर आप भी शादी करने से डरते हैं और आपकी वजह कोई और है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगली बार किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।